चलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को हैप्पी फ्राइडे, जुम्मा मुबारक। और साथ ही साथ जो है पहली बार भाई हमारे चैनल पर आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और आज भी मैं कुछ शेयरिंग आप लोगों के साथ करना चाहूंगा, तो 3-4 पॉइंट है OES को लेकर के, साथ ही साथ जो है आपका अभी जो हमारे वेबिनार को लेकर के और भी कुछ। वीडियो में आप आखिरी तक जरूर जो है बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वेबसाइट जो हमारी अभी देखेंगे आप, ब्रांड न्यू, जैसे पीछे भी आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। नॉर्मली हर बार वेबसाइट बहुत अच्छी होती है, इस बार भी वेबसाइट जो है बड़ी खूबसूरत है। और आप इसमें जरूर जाइएगा, जहां पे मीडिया सेंटर है वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो मीडिया सेंटर में जो है आप देखेंगे जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह जो भी है दुबई के और भी जगह पर है, और जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो मीडिया में ऑन पैसिव से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद होता है, वो जाकर के जरूर देखिए और ब्लॉग्स को जरूर पढ़िए, वहां बहुत सारी जानकारी जो है मौजूद होती है। तो ये वेबसाइट तो बड़ी खूबसूरत है, साथ ही साथ जानकारियों के लिए आप जरूर जो है ब्लॉग वगैरह पर क्लिक कीजिए। और दूसरा इंफॉर्मेशन भाई यह है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इस पर कल बनाया था कि जो हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, जो दुबई का जो कोकोला एरिना है वहां पर हमारा 28 तारीख को एक बढ़िया सा प्रोग्राम होने वाला है, तो इस पर ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। तो ऑन पैसिव वहां पर स्पॉन्सर है, तो जो वहां पर सिंगर वगैरह आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया ये इवेंट होगा। तो ये भी एक आने वाले दिनों में मार्केटिंग कैंपेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब मार्केटिंग कैंपेन हमारी जबरदस्त चल रही है, एडवर्टाइजमेंट हमारे जो है पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। देखिए यहां पर कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि इंडिया में कब होगा, भाई हो जाएगा, जब भी होना होगा, इसकी फिक्र ऑन पैसिव को है, इसकी फिक्र जो है हमारी मार्केटिंग कैंपेनिंग टीम को है, वो उस चीज को छोड़ दीजिए, राइट। अभी हम ऑन पैसिव एज ए फाउंडर इन इट टू विन इट, दैट्स इट, आप इन इट टू विन इट है, वो आपके एप्पल्स कब जनरेट होंगे, क्या होंगे, हमें दिख जाएगा। तो कंपनी को मार्केटिंग करने दीजिए, मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, राइट। तो ये चीज है। और इसके साथ ही साथ एक और चीज है जो OES को लेकर के भाई आपको क्लियरली बता दें कि देखिए OES जो है जब भी ब्रांड न्यू हमारा आने वाला है, तो इसमें आपने अगर जो है अभी भी कई लोग हैं जैसे सारी चीजें हैं जो चेक नहीं की उन्होंने, जैसे आपका ओमेल देख लीजिए, बिल्कुल जो फाउंडर में है वही आपका इसके अंदर जो OES में है, तो आपका जो ओमेल वगैरह जो है उसे चेक कर लीजिए, आपका ईमेल आईडी है, जो भी नाम वगैरह है, सारी चीजों का एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी OES में जो है इंटर हम करने वाले हैं, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा डाउट हो कुछ भी हो, और आपके जो लोग हैं जितने भी थोड़े कम एक्टिव हैं उनका भी जो अगर आपके पास अगर यूजर आईडी पासवर्ड हो तो उन्हें भी जरूर चेक कर लीजिए, लेकिन उन्हें खुद को जो है इंटर करने का बोलिए और उनको खुद को बताइए कि भाई आप जाकर के चेक कर लीजिए कि आप जो है प्लीज जाकर के अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई वो सेल्फ डिपेंड उन्हें बनाना शुरू कर दीजिए। कई बार क्या होता है, हम यूजर आईडी पासवर्ड होती है तो ठीक है, आपने तो अब चेक कर लिया है, लेकिन यहां पर आपका फर्ज बनता है कि उन लोगों को भी एक्टिव रखिए और उन्हें भी बताइए कि भाई आप जाओ अपनी वेबसाइट पर जाकर के चेक करो सब चीजें परफेक्ट है या नहीं। अगर सब चीज परफेक्ट है तो कुछ भी आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, सब चीज अगर परफेक्ट चल रही है तो बिना वजह के किसी भी प्रकार की एडिटिंग मत करिए, और वो भी जो भी हो सके आप OES के अंदर सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पर कहीं आप देखा होगा लीडर से भी लगातार वीडियोस बनाए हैं कि भाई अब आपका वक्त आ गया है, जो आप जाएंगे वो कनेक्ट देखेंगे तो बहुत जल्दी उसमें हमारा OES में आने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा एक चीज और है कि एक जो एप्पल्स को लेकर के, मतलब भाई हमारा यार आप ये बता दो कि कब तक जो है इसमें अर्निंग हमारी होगी और कितनी हो सकती है, बहुत लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आप एक थोड़ा सा बता दो कि आप ऐसे नहीं कि कितना जो है हमारा शुरुआत में हो सकता है, इस मंथ में कितना हम जो है इसमें हमारे एप्पल्स जनरेट होंगे, कुछ नहीं आप बस एक प्रेडिक्शन मारो। ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं मुझसे, देखिए आपको मैं क्लियर बता दूं, एक डेट को लेकर के, डेट को लेकर के भी देख रहे हैं कई वीडियोस बन रहे हैं लगातार कि इस डेट में आपके एप्पल जनरेट होंगे या इस टाइम में आपके एप्पल्स आने वाले हैं, सब फेक बात है, सब झूठ बात है, जब भी आने होंगे वो हमें बैक ऑफिस में दिखने वाला है, राइट। तो ये बिना वजह की वीडियो आप जो देख रहे हैं कि इसमें ऐसा आएगा, ऐसी इनकम होगी, तो ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई कितने हो सकता है, कितना इतना डॉलर आ सकता है, ये हो सकता है, देखिए कोई जब बिजनेस प्लान होता है किसी MLM कंपनी या किसी और चीज की बात करें तो उसमें आपके पास एक पे स्ट्रक्चर तैयार होता है कि भाई आपको ये शेयर करना है, बताना है लोगों को, उसमें आप बता सकते हो कि आपकी इनकम इतनी होगी, ये होगी। लेकिन ऑन पैसिव ना कोई MLM है ना किसी तरह की कोई इस टाइप की कंपनी है कि आप क्विक एंड अर्न वाली जो स्कीमें होती है उस टाइप की कंपनी नहीं है। यहां पे पे स्ट्रक्चर क्या है, यहां पे बैक में क्या चीजें तैयार हो रही है फाउंडर्स की, ये किसी को भी नहीं पता है। तो कोई लीडर आपको कहता है कि भाई तुम कम से कम इतना तो इसमें कमाई लोगे, इसमें तो पॉसिबल है, ऐसा हो पाएगा, तो ये सब फालतू बात है, झूठ बात है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। जो भी आना होगा, जैसे एप्पल जनरेट होने, वो बैक ऑफिस में हमको दिख
देखने वाले हैं, तो बिना वजह के फिजूल की चीजें, फिजूल के क्वेश्चन मत करिए, जिससे बिना वजह से आपका भी जो है टाइम खराब हो और आप दूसरों का भी टाइम खराब करें। उससे बेहतर यह है आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है उस पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ जो अगर कोई आप MLM कर रहे हैं जिससे आपको अच्छी अर्निंग आ रही है, जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करते रहो यार, आपको किसी ने मना नहीं किया है, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन यहां पर आप ऑन पैसिव में बने रहना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी करना है वो यहां पर ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश मुफारे सर करने वाले हैं। कैसे होना है इसमें, कैसे अर्निंग आनी है इसमें, आपको कैसे जो है सारी चीजें जनरेट होने वाली है, तो ये कोई बंदा बता नहीं सकता, ये सिर्फ मिस्टर ऐश को पता है, और इसका क्या चीज है इसमें आगे जो बैक में क्या हो रहा है ये सिर्फ उन्हें ही पता है। जब भी आएगी इसकी इंफॉर्मेशन तो बैक ऑफिस में आएगी और उसकी परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद में भी जब आपके एप्पल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो भी जनरेट होता है, तो पब्लिकली उसको तो शेयर करना है ही नहीं, इस बात को तो आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। तो जो भी होगा बैक एंड पे हमको दिखेगा, तो देखते हैं वेबिनार भी कब भी होता है तो इस पर भी क्वेश्चन है, तो जब भी होगा वो बैक ऑफिस में हमको सब कुछ दिखने वाला है।